Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you are all fine. I am your computer teacher Zunara from Allied School Al Fajr campus. Today we will discuss the remaining question of unit 1, exercise D, book page number 16. Question number 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Aaj hum discuss karenge. Question number 6, what is an ISP? Give an example. Now we start with the definition of ISP. ISP stands for Internet Service Provider. Internet service provider is a company or an organization which provides access to the internet. Some methods of providing the service are through dial-up telephone cable or high-speed wireless connectivity, for example, bigger media and wide cable. अब आपको बताऊँ जो चाहिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें क्या करती है, इंटरनेट प्रोवाइड करती है, यानी इंटरनेट की फैसिलिटी हमें देती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ई लर्निंग, गिव एन एग्जांपल. E-learning refers to the use of the network and communication technology in teaching and learning. The letter E in e-learning stands for the word electronic. You can use the information from the internet in your work. It increases your knowledge and skills. E-learning means padhna. Kiske through? Electronic ke through, yani internet ke through, yani network ke through. हम नॉर्मल कैसे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं हम जाके. ठीक है. ई लर्निंग एक इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है टेक्नोलॉजी यूज़ करके. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे या कोई नॉलेज चाहिए तो आप कहाँ से लेंगे, या तो आप किसी के पास जाओगे या पढ़ेंगे, खुद पढ़ोगे, या उनके पास अगर नहीं है या एक्सेसिबल नहीं है. एक मेथड है ई लर्निंग, मतलब उसका एक सोल्यूशन है ई लर्निंग है. यहाँ पर क्या होता है, आपके टीचर आपको क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि आपको क्लासरूम में नहीं जाना होता है हमेशा, जो क्लासरूम में. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमेशा क्लासरूम टीचिंग होती है यानी वन टू वन जब आप अपने टीचर के सामने होते हैं, वो सबसे बेस्ट टीचिंग होती है. उससे ज़्यादा बेस्ट कोई भी टीचिंग नहीं हो सकती, चाहे आप जितने भी ई लर्निंग कर लें. ठीक है. अब कोई ऐसा, अब ई लर्निंग किस लिए है, उसका मतलब मकसद क्या है, किन लोगों के लिए है? अब कोई ऐसा है जो क्लास अटेंड नहीं कर सकता, बीमार है, या क्लास में कोई चीज़ उसको समझ नहीं आती है, वो कहाँ से समझेगा, तो वो क्या करेगा, ई लर्निंग यानी ई क्लास लेगा, ई क्लासरूम से समझ सकता है. वो अपने घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, या कहीं पर भी बैठ के वो क्या कर सकता है, उस काम को सीख सकता है. ई लर्निंग का क्या है, आपके पास एक मेथड है, ठीक है, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो. क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन सर्च इंजन. सर्च इंजन इज डिजाइन टू सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल, बिंग, याहू. सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन क्या है, एक जिसके थ्रू हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है हम सर्च कर सकते हैं. सर्च इंजन मतलब कि वहाँ पे ये याहू, बिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, बिंग वगैरह, ये सब आपके क्या है, सर्च इंजन है. यहाँ पे आपको कोई भी जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जो आप चाहते हो कि हमें कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सर्च कर लेते हो. ठीक है. ये वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी आज दुनिया जहान की जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से गेन कर सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन URL. URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर रेफर्स टू द एड्रेस आर द लोकेशन ऑफ अ वेब पेज आर द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट. ईच वेबसाइट ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस. व्हाट इज URL? कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड URL आर वेब एड्रेस. किसी भी साइट का यूनिक एड्रेस को हम वेब एड्रेस कहते हैं, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम URL भी कहते हैं. इट इज़ ऑलवेज यूनिक फॉर अ वेब पेज, यानी ये यूनिक होते हैं. हर आपको पता होगा, हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो कंप्यूटर, हर वो वेबसाइट जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती है और इसे एक्सेस करना रिक्वायर्ड होता है, तो एक्सेसिंग के लिए एवरी एंटिटी मस्ट हैव अ यूनिक एड्रेस जिससे हम इस एंटिटी को एक्सेस कर सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल मैं दूँगी आपको, जैसे हम पर्सनस को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आईडी कार्ड के थ्रू. यानी जो आईडी कार्ड है वो हर एक पर्सन का क्या है, एक यूनिक कोड है. यूनिक कोड के थ्रू हमें पता चल जाता है ये वाला कोड या ये वाला जो नंबर है इस पर्सन को असाइन हुआ है और वो किसी और को असाइन नहीं हो सकता है. यानी ये URL है. लाइक जब आपने गूगल क्रोम खोलना है तो उसका एड्रेस क्या है, www.google.com. और जैसे कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, यानी www.facebook.com, ये क्या होते हैं, वेबसाइट के एड्रेस होते हैं. और URL क्या होता है, एक यूनिक, हर एक वेबसाइट का एक URL जो है वो, यानी क्या होता है, एक
यूनिक कोड होता है जिसके थ्रू हम उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। आपकी बुक का पेज नंबर क्या है? 13। और ऑलरेडी जो मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ वो आपके बुक के पेजेस पे अवेलेबल है सब, और मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। आपकी बुक का पेज नंबर क्या है? 13 है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट क्या है? फर्स्ट एडवांटेज क्या है, यू कैन फाइंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, यानी आप किसी भी टाइप की जो इंफॉर्मेशन है जो आप चाहते हो वो इंटरनेट के थ्रू आपको मिल जाती है। यू कैन बाय एंड सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट, आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ को खरीद सकते हो या बेच सकते हो, यानी थ्रू इंटरनेट, यानी जब आप ऑनलाइन चीज़ें यानी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो जब। यू कैन ऑल्सो पे बिल्स, रीड न्यूज़पेपर्स एंड सेंड ग्रीटिंग्स ओवर द इंटरनेट, मतलब आप अपने ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू न्यूज़पेपर्स वगैरह भी रीड कर सकते हैं, मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, आप रीडिंग कर सकते हो कोई किसी भी सब्जेक्ट के लिहाज से, और अपने क्या कर सकते हो, बिल भी घर बैठे पे कर सकते हो। फोर क्या है, यू कैन प्ले गेम्स ऑन द इंटरनेट, ऑब्वियसली आप सब फ्रेंड्स आपस में क्या कर सकते हो, गेम्स को प्ले कर सकते हो, इंटरनेट का ये भी एक फ़ायदा है। और फाइव क्या, यू कैन चैट विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर सकते हो, ऑनलाइन चैटिंग वगैरह कर सकते हो, मतलब आप उनके साथ कनेक्ट रह सकते हो, लेकिन ये सब किसकी वजह से होगा, इंटरनेट की वजह से। ये कुछ एडवांटेजेस थे इंटरनेट के। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन इंटरनेट सर्विसेज। बुक पेज नंबर आपके 13 है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका बुक पे अवेलेबल है, और ये क्या है, इंटरनेट की सर्विसेज हैं जो हमें इंटरनेट जो हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम फैसिलिटेट होते हैं। ओके, आपको मैं ये ज़्यादा रीड आउट डिटेल में नहीं करवाऊंगी, आप ये खुद डिटेल में मतलब के रीड आउट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है कि आप चीज़ों को खरीद सकते हो, बेच सकते हो इंटरनेट के थ्रू, ये एक किस्म का बिजनेस होता है। ठीक है, न्यूज़ ग्रुप में क्या होता है, आप कोई भी मैसेज कर लिखते हो और रीड कर लेते हो, या डिफरेंट लोग आप उसको उस चीज़ को शेयर कर लेते हैं, और तो उन पे जो व्यूज़ वगैरह देते हैं एक दूसरे को वो होता है। चैट रूम क्या होता है कि आप दुनिया में कहीं पे भी किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के एक दूसरे से क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। ईमेल्स में क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो आप थ्रू द इंटरनेट बड़े ही कम टाइम में एक दूसरे को एक घर पे बैठे हुए एक मतलब या फॉरेन कंट्रीज में सेंड कर सकते हो अपने ईमेल्स के थ्रू। इंटरेक्टिव डिजिटल टेलीविज़न, ठीक है, इसमें क्या होता है आप कोई भी जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो क्या कर सकते हो, गेम्स प्रोग्राम या ड्रामा सीरियल्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट मैंने कट कर दिया हुआ है, वो आपने नहीं करना। ऑनलाइन गेम्स एंड म्यूज़िक में क्या होगा, आपको पता है ऑलरेडी, मैगजीन ई पेपर एंड ई बुक्स में भी ऑलरेडी आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर्स को रीड करेंगे या मैगजीन्स को या बुक्स को। ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है कि लोग जो हैं वो क्या यूज़ करते हैं, एटीएम कार्ड्स यूज़ करते हैं अपने कैश वगैरह को निकलवाने के लिए, ठीक है, या ट्रांसफ़र करते हैं मनी को ऑनलाइन फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। ओके, आपने अच्छे से रीड आउट करना है, मैंने अभी सिर्फ थोड़ा सा मतलब कि आपको अंडरस्टैंड करवा दिया कि क्या क्या चीज़ें ये इंटरनेट की सर्विसेज हैं जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है। 12 है, लास्ट क्वेश्चन है आपके यूनिट 1 का, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर। बुक पेज नंबर क्या है? 8। इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर क्या है? इज़ एसेंशियल टू सेटअप एंड कंट्रोल द कनेक्शन फ्राम द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, यानी ये बहुत ज़रूरी कनेक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कंप्यूटर को इंटरनेट अवेलेबल करने के लिए। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं, डायलर सॉफ्टवेयर एंड TCP/IP नेटवर्क। डायलर जो डायलप कनेक्शन है वो डायलप, अब आपको पता होना चाहिए डायलर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, ठीक है, नीचे डायग्राम आपके सामने मैंने मेंशन किया है, अब मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक कंप्यूटर है और आप उस पर इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं, आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट, ताकि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। आपका कंप्यूटर एक वायर से है, वायर से कनेक्ट है, आपके घर में यानी टेलीफोन है जो भी मौजूद है आपने उसे से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। आप इससे एक नंबर डायल करेंगे अपने ये जो फ़ोन है आपका, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, सपोज आपने डायल किया है *555#। जैसे आप ये नंबर डायल करेंगे ना, तो आपके फ़ोन फौरन ही करीबी टावर से जो भी आपको जो भी इसको सर्विस प्रोवाइड की गई है एंटीना के ज़रिए, या करीबी टावर होगा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के ज़रिए, उससे कनेक्ट हो जाएगा और अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा इस एंटीना को। अगर यहाँ पे सर्वर अवेलेबल होगा तो इसको वो इस रिक्वेस्ट को पूरी कर देगा, ठीक है। अगर उसके पास नहीं है तो वो इसी लाइन में इसी साइड में नेक्स्ट टावर को भेजेगा, उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मोबाइल की रिक्वेस्ट है वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के यूज़ के ज़रिए हो रही है, यानी माइक्रो ट्रांसमिशन यूज़ हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के थ्रू ही करना ही है आपने, यानी ये जो पब्लिक STN जो है ना, पब्लिक स्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क जो भी है,
ठीक है, इसके थ्रू नहीं है, जरूरी नहीं है, बस ये एक टेलीफोन लाइन होती है, ठीक है। अब वो जो सेकंड वाला टावर है वो क्या करेगा, वो उसी रिक्वेस्ट को आगे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देगा। सर्वर क्या करेगा, आपने जो नंबर डायल किया उसको आइडेंटिफाई करेगा और यहाँ पे डायल अप कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी आपके मोबाइल और सर्वर के दरमियान में। उसके बाद सर्वर और मोबाइल फ़ोन के दरमियान में जो प्रोटोकॉल होंगे, जो सेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अब वो सब कुछ डिसाइड होते हैं, जिनकी हेल्प से डेटा ट्रांसफर किया जाता है, वो दोनों के दरमियान में तय किया जाता है। जब प्रोटोकॉल सेट हो जाते हैं फिर आपका मोबाइल सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये जो सर्वर है ये कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है जो, या कोई कंपनी हो सकती है जो आपको इंटरनेट की सर्विस दे रही है। यहाँ से डाटा आपके मोबाइल तक पहुँचेगा और मोबाइल से जो आपका जो शॉर्ट डिस्टेंस कनेक्शन है आपके कंप्यूटर का कनेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट नोट, आपको पता है हर वीडियो में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट होता है, इसमें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट ये है कि आपका जो यूनिट 1 है इंटरनेट है कंप्लीट हो चुका है। उसके टोटल कितने क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। आपने ये जो सारा हाईलाइट हुआ भाई, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल हैं, और जो आपके हर हर स्लाइड में पेज नंबर लिखा हुआ है बुक का, तो आपने इनको लर्न भी करना है और राइट भी करना है, और कॉपीज पे इसको राइट करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और डेट एंड डे वाइज आपने इसको मैंशन करना है।